हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि एक बजट प्राइस में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा पड़ेगा। आप लोग तो जानते ही हो कि स्टूडेंट्स को अक्सर पेपर देने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिटी के बाहर जाना पड़ता है, जब उन्हें अच्छी एक बैटरी लाइफ की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें एक अच्छी बैटरी का फ़ोन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उनके लिए डिस्प्ले भी एक बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो उसमें कभी कभी गेम भी खेलते हैं। और इस कोरोना काल में आप लोग जानते हो कि अच्छी डिस्प्ले और बैटरी का कितना महत्व है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करेंगे जिसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है, चार्जिंग टाइम भी कम है और डिस्प्ले भी बेस्ट है, और साथ साथ इसमें प्रोसेसर और रैम भी लेटेस्ट हैं। इस फ़ोन में आप लोगों को DDR4 रैम मिलेगी, जो इस समय मार्केट में बजट प्राइस के हिसाब से बहुत ही लेटेस्ट है। और वैसे नहीं तो DDR5 चल रही है, वो फ्लैगशिप फ़ोन में मिलती है अभी। बट हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन का नाम है सैमसंग F41। इस फ़ोन में आप लोगों को 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। साथ में साथ आप लोगों को इस फ़ोन में सुपर एमोलेड 4K डिस्प्ले मिलेगी, जिस पर आप अपना कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से गेम खेलने के लिए, जो कि लैग नहीं होंगे, उसके लिए आप लोगों को एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। ये फ़ोन फ्रेंड्स दो टाइप की रैम वेरिएंट्स में आता है, 4GB एंड 6GB। 6GB वाला फ़ोन थोड़ा महंगा रहता है और 4GB वाला थोड़ा सा सस्ता रहता है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सेल्फ़ी का भी शौक़ होता है और उन्हें अच्छी फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस फ़ोन में आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा होगा 64 MP का, दूसरा वाला कैमरा होगा 8 MP का, तीसरा वाला होगा 5 MP का। इसमें आप लोगों को सेल्फ़ी कैमरा 32 MP का मिल जाएगा। इस फ़ोन में आप लोगों को 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स, ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ में आता है, और साथ साथ कंपनी इसमें 2 साल तक की गारंटी अपडेट्स का भी प्रॉमिस करती है, तो आप लोगों को अपडेट्स और सिक्योरिटी के को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। इस फ़ोन में आप लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। ये फ़ोन आप लोगों को 15,000 की प्राइस में आता है। तो अब टाइम हो गया इस वीडियो को ख़त्म करने का, लेकिन हाँ, मैं मेन बात करना भूल ही गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बहुत सारी अदर ब्रांड्स के भी फ़ोन तो हैं, तूने उस ब्रांड के फ़ोन को क्यों नहीं लिया। तो मेन रीज़न यही है, या तो उनमें बड़ी बैटरी नहीं थी, या तो उनमें बड़ी अच्छी डिस्प्ले नहीं थी। इस फ़ोन में अच्छी डिस्प्ले के साथ बड़ी बैटरी मिलती है और प्रोसेसर भी अच्छा खासा मिल रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई अपने थॉट्स को शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। और मैं जानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही लेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सेफ़ रहें और अपने फैमिली वालों को सेफ़ रखें।